वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है टेक ग्रिप। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप स्नैपचैट यूज करते हैं और स्नैपचैट पर लॉगिन करते समय अगर आपको इस तरह का ये एरर फेस होता है, ड्यू टू रिपीटेड फेल लॉगिन अटेम्प्ट एंड अदर सस्पिशियस एक्टिविटी लॉगिन फॉर योर अकाउंट इज टेम्परेली डिसेबल्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यहाँ पर अगर आप अपना पासवर्ड डाल डालकर थक गए हैं, अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, बार बार आपको यही एरर आ रहा है, तो इसका एक रीजन हो सकता है दोस्तों कि आपने बार बार गलत पासवर्ड यहां पर एंटर किया है। तो मेक श्योर दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपका पासवर्ड आप डाल रहे हो वो सही होना जरूरी है। आपका जो पासवर्ड है वो करेक्ट होना चाहिए, आपको एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन गाइज, अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आ ही गई है, तो इसका सोल्यूशन आप किस तरह से करेंगे, यहां पर मैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं। तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि स्नैपचैट बोलता है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है वो अपडेट रहना जरूरी है। तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्नैपचैट। यहाँ से आपको चेक करना है कि आपके स्नैपचैट पर कोई अपडेट तो नहीं आई हुई। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर अपडेट दिखाई देती है तो आपको अपने अकाउंट को अपडेट कर लेना है। अगर नहीं दिखाई देती है तो आपको स्नैपचैट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको डेवलपर कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद ये छोटा सा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको जीमेल या फिर याहू मेल, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जीमेल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो हमारा जीमेल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख लेना है। और इसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहें तो ऊपर से यहाँ पर कोई फाइल को अटैच कर सकते हैं, जैसे कि जो स्क्रीनशॉट है उसका आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इसको अटैच कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिखना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है अच्छे से अपने वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है, हेलो स्नैपचैट, व्हेन एवर आई गो टू लॉग इन ऑन स्नैपचैट माई अकाउंट इज नॉट ओपन एंड आई सी एन एरर ड्यू टू रिपीटेड फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट और अदर सस्पिशियस एक्टिविटी लॉगिन फॉर योर अकाउंट इज टेम्परेली डिसेबल्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। व्हाइल आई हैव अपडेटेड माई स्नैपचैट आल्सो, बट सिंस मैनी डेज आई एम फेसिंग इट रेगुलरली, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। उसके बाद हमें इस मेल को सेंड कर देना है। जो ये मेल है ये स्नैपचैट टीम के पास पहुँच जाती है, और उसके बाद हमें इंतजार करना होगा। लेकिन गाइस, इसके बाद हमें एक काम और करना है। यहाँ से हमें बिल्कुल बैक आना है। बैक आ जाने के बाद अपने ब्राउजर को ओपन करना है। आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्रोम हो या फिर ओपेरा। तो गाइस, मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है। यहाँ पर आपको सर्च करना है स्नैपचैट सपोर्ट। जैसे ही आप यहाँ स्नैपचैट सपोर्ट टाइप करते हैं तो जो पहली ही साइट आएगी आपको इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस वाला एक बड़ा सा बटन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद एक नया पेज इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आई कांट एक्सेस माई अकाउंट। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आई सी एन एरर मैसेज व्हेन आई लॉग इन। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर हमें येस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर ये आपका स्नैपचैट का यूजर नेम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर नवीन कुमार डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मेल आईडी डालनी है, अगर आपके पास नई है नई डाल दीजिए, ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपको पुराने वाली ही डालनी है। यहाँ पर लिखा हुआ जरूर है ईमेल एसोसिएटेड विद योर स्नैपचैट अकाउंट इफ़ एप्लीकेबल। यहाँ पर दोस्तों इफ़ एप्लीकेबल अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं आप नई ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर डालना है आपका, और यहाँ पर जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, जैसे एमआई का फ़ोन यूज कर रहे हैं, वीवो का यूज कर रहे हैं, उसका अगर मॉडल नंबर डाल सकते हैं तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों व्हेन डिड यू स्टार्ट हैविंग दिस इशू, यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस दिन से आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, और वो आपको कुछ इस तरह से डाल देनी है। सबसे पहले आपको मंथ डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर डे डालने हैं, और फिर आपको ईयर्स डालना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और यहाँ से जो आपका स्क्रीनशॉट है आपको उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अटैच कर देना है।
जैसे कि हमने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। और उसके बाद यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन, जैसा कि जो रिपोर्ट हमने जीमेल में सेंड की थी वही सेम यहाँ पर हमें डाल देनी है। यहाँ पर रिपोर्ट डाल देने के बाद दोस्तों हमें यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से सबमिट कर देने के बाद गाइज आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उम्मीद करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।